ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट्स असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्से को कहते हैं जो दो बड़े समंदरों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या खसूसियत है इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समंदर हैं, और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती जोग्राफिया की वजह से इन समंदरों में ऐसे स्ट्रेट या चोक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप सुएज़ कैनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चौक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करती है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ट्रेड फ्लो कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, डेनिश स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी ट्रेड को कंट्रोल करता है, टर्किश स्ट्रेट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इम्पोर्टेंट नहीं जितना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का ये वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का वाहिद रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। अब अगर आप मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये आपको पता ही होगा कि मिडल ईस्ट की पहचान उसका तेल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजप्शन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर्स में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पे पाया जाता है। इस सर्कल में दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है, और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व्स भी इसी सर्कल में मौजूद देशों के पास हैं। अब नेचुरल गैस तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा जखायर हैं जितने शायद हमारे पूरे प्लैनेट पे कहीं नहीं, और इसीलिए पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्री से आती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है, लेकिन इस 30 मील के एरिया से गुजर के जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऐसे आइलैंड हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और ये 8 में से 7 आइलैंड ईरान के कंट्रोल में हैं। इन 3 आइलैंड्स को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। इस सारे एरिया पे तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा, ये जो रेड हाइलाइटेड एरियाज आप देख रहे हैं, यहाँ पर समुन्दर कम गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुशक्कत के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% तो सिर्फ 5 कंट्रीज के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इम्पोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर के आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चोक पॉइंट से गुजर के आती है। इंडिया वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया, जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है,
जो उसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर के आते हैं। तो अगर ये 30 मील की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और दसवीं इकोनॉमीज बिल्कुल कलैप्स कर जाएंगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज की इस पे कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं ताकि वो ईरान पे नजर रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफा ये स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिल के रह जाएगी बल्कि ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैंने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी हैं तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा।